दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज हम एक बार फिर बात करेंगे ईवीएम की, क्योंकि इस वक्त बंगाल चुनाव साथ ही केरल और तमाम जो दूसरे राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और बड़ी जम के बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। इसी बीच जो है महाराष्ट्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो कि अब कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यानी कि नाना पटोले ने एक बात कही थी कि हमारे पास एक याचिका आई है और इस पर हम विचार कर रहे हैं कि अब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। और इसी बात की पुष्टि फिर बाद में उद्धव ठाकरे जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी की थी। यानी कि अब बहुत जल्दी महाराष्ट्र में ईवीएम की जो विदाई होने वाली है और जल्द ही वहाँ पर शायद अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पहली बार इस तरह की बात कही गई है। हालांकि इसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे, अब वो कांग्रेस पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी बात तो बात है और बात निकल चुकी है तो निश्चित रूप से ये दूर तक जाएगी। देखो, मेरे पास एक पिटीशन आई थी, मैं स्पीकर कर मेरे पास पिटीशन आने के बाद चुनाव आयोग के जो हेड है उनको बुलाया, विधि न्याय विभाग के जो हमारे सेक्रेटरी है उनको बुला लिया, पिटीशन वाला था, हमने कानूनन सब वहाँ पे उनसे मालूमात ली। जो हमारा वोटिंग का जो कानून बना हुआ है, हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई है, जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई थी तब इलेक्ट्रॉनिक मशीन या बायलेट ऐसा दोनों का भी पर्याय वहाँ पे रखा गया था। जो लोगों को चॉइस है वो चॉइस को ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र में जनता का अधिकार है। अब आपने देखा होगा कि सभी चुनाव में लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लोगों को कई अपने आपके चैनलों के माध्यम से दिखाया जाता है कि लोग ने मैंने वोट तो इसको मारा, मेरा वोट वैसा कैसे गया। ये जो कन्फ्यूजन है दुनिया के जितने भी प्रगत देश है, अमेरिका में अभी इलेक्शन हुए वहां पे भी बैलेट पे हुआ, यहाँ लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट पे वोट होना चाहिए। अब मेरा खुद का वोट मुझे बैलेट पे करना है तो सरकार ने सुविधा करके देना चाहिए। विधानसभा का चुनाव जो है, राज्य सरकार ने आर्टिकल 328 के आधार पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है कि वोटिंग अगर बैलेट पे करना है तो जो चुनाव आयोग है उसको सरकार ने सब सुविधाएं मुहैया करा देना, उसको इंप्लीमेंट करने का अधिकार चुनाव आयोग का है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप चुनाव आयोग के तरफ जाओ, चुनाव आयोग यही कहा है। और उद्धव ठाकरे ने भी ये बात कह दी है कि वो इस पर विश्वास नहीं करते, यानी कि ईवीएम पर उन्हें विश्वास नहीं है, वो भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर वापस आए। मी स्वतः बैलेट पेपर वेळेपासून मतदान करतोय आणि लोकशाही मध्ये माझ्या मतावरती, माझे म्हणजे उद्धव ठाकरे ने, आपल्या सगळ्यांच्या जनतेच्या मतावरती सरकार बनतं, बरोबर आहे। आज आपल्याकडे आरटीआय हा एक प्रकार आहे की माहितीचा अधिकार, हा माहितीचा अधिकार, त्या माहितीच्या अधिकारात दुसरीकडे काय चालले ते जाणून घेण्याचा माझा अधिकार आहे, परंतु मी नोंदवलेलं मत हे कुठे जाते हे शेवटपर्यंत कळण्याचा माझा अधिकार ह्याच्यात हिरावून घेतला गेलेला आहे, तो अधिकार मला परत मिळाला पाहिजे। ईव्हीएम मध्ये बटन दाबल्यानंतर दिवा तिकडेच लागतो, पण अनेक ठिकाणी हे घोटाळे बाहेर आले की मत दुसरीकडे रजिस्टर होते, बरं बटन दाबल्यानंतर आतमध्ये रजिस्टर होते म्हणजे नेमकं कसं ते साठवलं जाते कोणालाच कळत नाहीये। ते एक माझा समाधान आहे की आता टेक्नॉलॉजीमुळे माझं मत तिकडे पडलेले, पण ते पडलेलं मला दिसत नाहीये, आणि तो माझा लोकशाहीचा मूलभूत जो अधिकार आहे की मी शिक्का मारल्यानंतर मला माहिती मी धनुष्यबाणावरती शिक्का मारले म्हणजे धनुष्यबाणावरतीच शिक्का मारलेला आहे, बटन दाबल्यानंतर आत मत कसं रजिस्टर झाले मला कळत नाही, त्याच्यामुळे मी तर म्हणेन हा लोकशाहीचा अपमान आहे। लोकशाही लोकांसाठी जर असेल तर प्रत्येक नागरिकाला, प्रत्येक मतदाराला त्याचं स्वतःचं मत कुठे नोंदलं गेले अंतिमता हे कळून किंवा जाणून घेण्याचा अधिकार याच्यामध्ये हिरावून घेतला, तो अधिकार त्याला परत मिळाला पाहिजे। और जब महाराष्ट्र सरकार ये कर सकती है तो क्यों ना दूसरे राज्यों को, जो कि जहां पर विपक्षी पार्टियां इस वक्त सत्ता में हैं, उन्हें भी ये पहल कर देनी चाहिए। हालांकि इसमें कौन सी पार्टी कितने अंदर तक दलदल में धंसी हुई है या फिर ये कहें कि कौन कितना हिम्मत कर पाती है, ये देखने वाली बात ज़रूर होगी।
महाराष्ट्र सरकार ने जो ये घोषणा की है कि वो ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव कराने को ज़्यादा बेहतर समझती है या अपने है इसको लागू करेगी, मैं इसको बहुत इसका स्वागत करता हूँ। जबकि मुझे आश्चर्य होता है कि जो यहाँ की विपक्षी पार्टियाँ हैं, सरकार के अतिरिक्त जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर राजद हो, या तृणमूल हो, या देश के और दूसरे राज्यों में जो प्रमुख पार्टियाँ हैं, दक्षिण भारत की पार्टियाँ हैं, इन लोगों ने अब तक ये क्यों नहीं समझा और ये इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया, जबकि एक बहुत बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि दुनिया के तमाम ऐसे विकसित देश हैं जो बड़े लोकतंत्र हैं, वहाँ अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत में ऐसी कौन सी खास बात है कि यहाँ ईवीएम से चुनाव होगा, जबकि लगातार ईवीएम पे सवाल उठते रहे हैं। तो अब चूंकि लोकतंत्र जो है लोगों का है, लोग ही चुनते हैं सरकार को, लोगों को ही वोट देना है, तो इसमें सरकार की क्या दिलचस्पी हो सकती है? अगर लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो सरकार अगर ईमानदार है, सरकार की मंशा पे अगर संदेह नहीं है, सरकार अपने को खुद को पाक साक समझती है, तो उसको आगे आना चाहिए, उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा करनी चाहिए। बंगाल में जैसे चुनाव होना है, मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि ममता बनर्जी जिनकी सत्ता हिल रही है और कोई ठिकाना नहीं कि उनकी सत्ता बचेगी या जाएगी, बीजेपी आ सकती है वहाँ, लेकिन वो क्यों नहीं इस सवाल को उठाती हैं, प्रमुखता से क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं कि ईवीएम को ख़त्म किया जाना चाहिए? क्योंकि पिछले दो चुनाव को अगर हम देख लें, खासतौर से अभी जो चुनाव गया एक डेढ़ साल पहले, इसमें हम देखेंगे कि चमत्कारिक नतीजे रहे। कई ऐसी जगहों पे, कई ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां कोई चांस नहीं था इस पार्टी को जीतने का, लेकिन ये पार्टी जीती, इनके कैंडिडेट जीते। तो इस तरह से लगातार सवाल होते रहे हैं और जो विपक्षी दल हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो सब मिल के इसको सम्मिलित रूप से आवाज़ उठाएं कि चुनाव जो है ईवीएम से ना होके बैलेट पेपर से हो। और महाराष्ट्र सरकार ने इसकी पहल की है तो निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करूंगा और उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं कि वे लोग जो हैं ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की घोषणा करें और उसको एक आंदोलन का रूप दें और आम जनता ये चाहती है और जनता इससे जुड़ेगी। और जब ये मांग उठने लगी है कि अब सब जगह पर बैलेट पेपर से इलेक्शन होने चाहिए, तो एक विपक्षी पार्टी जिसे समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं इस वक्त, अखिलेश जी ने भी ये बात कह दी कि वो जब सत्ता में आएंगे तो वो बैलेट पेपर को वापस लाएंगे, यानी कि ईवीएम को हटा देंगे। देखिए, ईवीएम मैं आप भी कह रहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, किसी को भरोसा नहीं। अमेरिका का भी चुनाव हो गया, कई दिनों काउंटिंग होती रही, लोगों को भरोसा बैलेट से ही आएगा। लेकिन एक ये लड़ाई अभी लड़ी नहीं जा सकती है, उसकी तैयारी इसीलिए हम ट्रेनिंग शिविरों के माध्यम से कर रहे हैं कि कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता अपना पूरा वोट डाल दे। हम पूरा वोट डाल देंगे तो ये अपने आप हार जाएंगे और सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये कितना संभव है, क्योंकि जबकि एक पूर्व आईएएस अधिकारी जो जिन्होंने नौकरी छोड़ दी सिर्फ इसी सवाल पर, जो कि ईवीएम का विरोध शुरू से करते आए हैं और एनआरसी पर भी उन्होंने बहुत कुछ बात कही है, उन्होंने ईवीएम के उस खास जो कि लूप पोल जिसे वो कहते हैं कि जो एक बहुत बड़ा उसका नुकसान है, उस पर बात वो करते हुए कह रहे हैं कि ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा संभव नहीं है। इसमें कोई बाहर की चीज़ जुड़ती है, एक ऐसी मशीन लग गई है जिसमें मनमाना यानी कि मन मुताबिक जिसके परिणाम आ सकते हैं। और अगर ऐसा है तो अखिलेश भैया, आपका सपना तो मुश्किल है क्योंकि पूरा हो सकता है, क्योंकि ये जो ईवीएम जब तक है आप सत्ता में आ पाएंगे ये बात जरा मुश्किल है। और पहले हम बोलते थे कि जो ईवीएम है उसको हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करने नहीं देते हैं, हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है इसकी पूरी हिफाजत में रखते हैं और इसको बिल्कुल हम टच नहीं करने देते। पर वीवीपैट लेके आने के बाद, कैंडिडेट को फाइनल करने के बाद, हमने इस पे एक इलेक्ट्रॉनिक, ऑफिशियली हर एक वीवीपैट पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस पे कनेक्ट करते हैं, मतलब लीगली करते हैं। वो मशीन के अंदर क्या है हमें नहीं पता, हम कनेक्ट करते हैं इस पे। इस बारे में भी मैंने यही आवाज उठाया था कि यह गलत है, क्योंकि आपको अभी पता है कि कैंडिडेट वन जो है वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसका है, कैंडिडेट टू किसका है, बीएसपी का है, एसपी का है, आपको पूरा सीक्वेंस पता है।
ये पता होने के बाद आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर से ले आए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर एक वीवीपैट पे आप कनेक्ट करते हो। तो जो ओरिजिनल आप बताते थे कि हम इस पे कुछ कनेक्ट नहीं करने देते वो भी खत्म हो गए। और तीसरी बात, पहले जो ईवीएम है उसको कैंडिडेट वन, कैंडिडेट टू, कैंडिडेट थ्री बस इतना ही पता होता था, स्थानार्थी एक दो तीन बस। उन अभी वीवीपैट को पता है क्योंकि तभी वो प्रिंट कर पा रहा है। आप अगर एक नंबर पे दबाते हैं, मान लीजिए कांग्रेस से हाथ है तो आप दबाते हैं तो वीवीपैट एक हाथ का वो प्रिंट करके निकाल के देते हैं। आप दो नंबर पे कमल है तो दबाते हैं तो वीवीपैट से कमल प्रिंट होके आता है। वीवीपैट को कैसे पता है कि एक पे हाथ है दूसरे पे कमल है? क्योंकि उसके अंदर हमने उसको फीड किया है। तो मशीन को अभी पता है, पहले ईवीएम को नहीं पता होता था, अभी वो पूरा मशीन को पता है कि एक नंबर पे हाथ है कि नहीं, दूसरे नंबर पे कमल है कि नहीं, तीसरे नंबर पे हाथी है कि नहीं, चौथा नंबर पे साइकिल है कि नहीं, ये सब पता है। ये पूरी मशीन को अभी जानकारी है कि कौन सी सीक्वेंस पे कौन पार्टी है, कौन कैंडिडेट है। ये हर तरीके से, जिस तरीके से आप वीवीपैट को देखेंगे, और वीवीपैट को इस तरीके से आप कर सकते हैं, पहले चीज तो उसका काउंटिंग तो पूरी होती नहीं, वेरिफिकेशन तो एक दूसरे के साथ। दूसरी बात जो है, अगर उस तरीके से उसको किया जाए, अगर मान लीजिए हर 20वीं वोट आप मैनिपुलेट करते हैं, हर 20वीं, ठीक है, हर दूसरी वोट नहीं या हर एक वोट नहीं, हर 20वीं, 20 बार डालने के बाद एक बार मैं मैनिपुलेट करता हूं, तो मैंने वीवीपैट में वो बटन दबाया, वीवीपैट ने उसका लाइट नहीं जलाया या फिर जल्दी उसको प्रिंट करके नीचे गिरा दिया, नीचे गिर गया। वो गिरने के बाद आपको शक हो गया, आपको लगा ये तो जल्दी गिर गया, मैंने देखा नहीं, या किसी और का सिंबल आ गया, मैंने देखा नहीं, शक हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, आप उसको जाएंगे और उसको बोलेंगे कि देखिए हमने ये किया और इसमें गलती हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आएगा वहां से और बोलेगा दोबारा करो टेस्ट वोट, आपको टेस्ट वोट का मौका देता है। अगर मैं टेस्ट वोट करूंगा तो सही आएगा, क्योंकि जो है हर 20वीं वोट का ही हो रहा है, हर एक वोट का नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, मैं आके दूसरी वोट दबाऊंगा, सही से प्रिंट होके आएगा और आपके ऊपर जो है क्रिमिनल केस लग जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये टेस्ट वोट से फायदा क्या हुआ? ये कई सारे मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ईवीएम हैक हुआ है, मेरा कभी भी दावा नहीं है, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है मैं ये नहीं कहूंगा, पर मेरा इतना ही है कि ये हो सकता है। इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज आपने इसमें छोड़ रखी है, वीवीपैट और ये पूरी ईवीएम मशीन्स की, उसके अंदर कि इसके अंदर हैकिंग हो सकती है। अगर हो सकते हैं तो भी दूसरी बात, हम इसको पकड़ने का भी चांस नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। अगर आज भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत करें, और हमारा ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।